ये माशरा हमारे कपड़े उतारने के लिए ना हमें 10,000 रुपए देता है। कपड़े फटे हुए हो ना तो हमें ये 1,000 का सूट नहीं लेके देते। ये जो बैकिंग करते इनकी एज काफी, ये अब फंक्शन कर नहीं सकते। मेरी फैमिली मुझे अच्छी खासी सपोर्ट करती है और दूसरा मैं दो जगह पे जॉब करती हूँ। मैंने शहर बानो मैडम से बात की, ये सरकार का रोड है, सरकार ने पैसे लगाए हैं, ना मैंने लगाए हैं ना आपने लगाए हैं, ठीक है। वो जो राई वेंड में रहते हैं उनको बोलते हैं चंगड़, तो हम तो उनको भगाते हैं तो उनके कपड़े फाड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर करोड़पति बेकारियों का राज है और यही बेकारी जो है कभी ख्वाजा सदा के रूप में और कभी एक मजदूर के रूप में और कभी खवातीन बच्चे उठाए जो है लाहौर की सड़कों पर मांगती हैं और यहाँ से मांग मांग कर जो है इन्होंने लाहौर और इसके गिर्दोनुमा में बेशुमार कीमती असासे जो हैं वो बना लिए हैं। आज चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये ख्वाजा सरा, ये बेकारी जो है वो लाहौर की सड़कों पर राज करते हैं और किस तरह से अपने इलाके जो के भारी कीमतों के एवज जो है वहाँ पर बोलियाँ लगाई जाती हैं और इलाके जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि कौन किस इलाके में मांगेगा। और सबसे भारी बोली जो है वो लाहौर के पोश इलाके और कारोबारी मराकज़ जो हैं वहाँ की लगती है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बेकारी किस तरह से लाहौर की सड़कों पर राज करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम चौधरी है, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक ट्रस्ट पे काम करती हूँ, ठीक है। कोई मुसीबत हो, कोई मसला हो, मैं इनके सर पे खड़ी होती हूँ, ठीक है। मैं बैकिंग नहीं करती, मैं इनके पीछे आके इनको इनकी सपोर्ट करती हूँ। अगर ये पुलिस स्टेशन में पकड़े जाते हैं या वैसे इन पे कोई तशद्दुद करता है तो उस टाइम मैं इनका साथ देती हूँ। अगर इनको कुछ चीज़ चाहिए होती है तो फिर ये मेरे पास आते हैं, मैं इनको वो चीज़ पूरी करके देती हूँ। मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, मैं इनके हकूक़ के ऊपर बात करती हूँ जी। ये गलत बातें हैं, गलत अफवाहें हैं, ये सरकार का रोड है, सरकार ने पैसे लगाए हैं, ना मैंने लगाए हैं ना आपने लगाए हैं, ठीक है। ये सरकारी रोड है, मुस्तफाए बाजार है, ठीक है, ठीक है। देने वाले भी अल्लाह के नाँ ते देंदे, लैन वाले भी अल्लाह के नाँ ते लैंदे। तेंदे विच ठेका किसनू देना या ठेका किनू लैना, कोई इत्थे मामा लगता जिन्हों ठेका देना है। हाँ, असी अपने ट्रांसजेंडर की गल करने, असी किसी नू कोई पैसे नहीं देंदे, ठीक हो गया। दूसरे मांगने वालों का हमें नहीं पता, हम अपनी बात करते हैं, दूसरों के अंदर क्या है क्या नहीं है उसकी बात की हमें तो नहीं पता ना, हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं। हाँ, पिछले दिनों में ना कुछ इशू चला था कि यहाँ आते थे कुछ पुलिस वाले तो इनको तंग करते थे, पकड़ के ले जाते थे, इनसे पैसे छीन लेते थे, तो इनको फिरा फिरा के घुमा घुमा के फिर छोड़ देते थे, पर्चे भी इन पर नहीं देते थे तो पैसे भी ले लेते थे। तो उस पर मैंने शहर बानो मैडम से बात की, ASP साहबा से, ठीक है। हमारे जो तवाफस मरकज में लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर हमारे काम कर रहे हैं, मैं उनके पास अपनी कम्युनिटी लेके गई, उनको अपना हाल बताया कि रमज़ान शरीफ है, एक तो इनकी एज काफ़ी है, ये जो बैकिंग करते हैं इनकी एज काफ़ी है, ये अब फंक्शन कर नहीं सकते। नहीं, इनकी तो एज आपके मुताबिक काफ़ी है, लेकिन कुछ यंग लोग और कुछ जो है आपकी कम्युनिटी से, एक तो वो तकरीबन 150 लड़का है, वो जो राइवेंड में रहते हैं उनको बोलते हैं चंगड़, ठीक है। वो पहले जाते थे ब्याह शादियों पे, वो मांगते थे इस तरह रूप धार के, तो अब ब्याह शादियां तो है नहीं, तो वो हमारी कम्युनिटी का रूप धार के वो यहाँ काम करते हैं, तो जहाँ हमें तो नज़र आ जाते हैं तो हम तो उनको भगाते हैं, तो उनके कपड़े फाड़ देते हैं, उनका मेकअप उतार देते हैं, उनको कहते हैं कि अपनी रीजनल हालत में आओ, आप जो हो आप तो हमारा हक छीन रहे हो। जी जी, आपको जो देते हैं हिस्सा या सारा आपके सामने, ये बात ऐसी नहीं है, ये हर कोई अपना कमाता है और अपने पास रखता है, ठीक हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी फैमिली के बैकग्राउंड से मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी फैमिली मुझे अच्छी खासी सपोर्ट करती है, और दूसरा मैं दो जगह पे जॉब करती हूँ, ठीक है। तो तीसरा मैं अपना एक इदारा चलाती हूँ, मदरसा जिसमें मैंने बनाया हुआ है, मैं दीन का इनको काम सिखाती हूँ, दीन के ऊपर काम करती हूँ। कुछ इतने ख्वाजा सराय हैं जिनको गुसल का भी नहीं पता, तो मैं फिर उनको गाइड करती हूँ अपने तरीके से, आहिस्ता 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 उसका माइंड चेंज करती हूँ, सूरतें पढ़ पढ़ के उनको सुनाती हूँ, उनका माइंड चेंज करके फिर उनको मैं अपने मदरसे में लेके जाती हूँ,
वहाँ वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने भी स्कूल बना दिया जिसमें जो ट्रांसजेंडर पढ़ने जाएगा उसको 10,000 रुपया महीना भी मिलेगा, लेकिन वो 10,000 रुपया मिलता है। अब एक ट्रांसजेंडर ने स्कीम मोड से आना है बरकत मार्केट, तो उसका किराया लगता है 80 रुपये एक साइड का, ठीक है, 80 से 160 रुपये, तो उसमें बचत कौन सी उसको आई, तो उसने रेंट कहाँ से देना है, उसने कपड़े कहाँ से पहनने हैं, तो उसने ये नाम मुराद पेट जो लगा इसको कैसे भरना है, ये मिट्टी से नहीं भरा जाता। आप इस माशरे को, मैं इस माशरे को अच्छा भी कहूँगी और बुरा भी कहूँगी, ये माशरा हमारे कपड़े उतारने के लिए ना हमें 10,000 रुपये देता है। हमारे कपड़े फटे हुए हो ना तो हमें ये 1,000 का सूट नहीं लेके देते कि आप अल्लाह के नाम पे हम आपको सूट दे रहे हैं, ये आप अपना जिस्म ढाक लो। ये ही मर्द हमें डांस करते हुए हमारे ऊपर लाखों रुपए निछावर करते हैं, ये ही लोग हमारे कपड़े उतारने के हमें लाखों रुपए देते हैं, हमारे तलवे चाटते हैं, हमारे पाँव में बैठते हैं, उस वक्त हमारे ये पाँव भी चाटते हैं जब इनके शैतान सर होता है। अच्छा, तो जब आती है ना नेकी के तरफ बात, तो नेकी की तरफ तो ये नहीं करते कि लंडे से एक स्वाटर ही लेके 150 का इनको पहना दें कि इनके कपड़े ढाक दें कि ये नंगे हो रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको बता रहे थे कि भिखारी माफिया जो है वो किस तरह लाहौर की सड़कों पर और मेन शहरों पर मार्केटों में राज करता है। यहाँ पर बताता चलूँ कि PhD भिखारी जो हैं वो भी, और उनका जो मांगने का तरीका है वो रवायती नहीं, एक मुनफरिद अंदाज के साथ मांगते हैं और राज करते हैं यहाँ पर अपने अपने इलाकों की बोली के बाद। इनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाती है कि कौन कहाँ से कितना जो है वो भीख इकट्ठी करता है और उसको कौन सा इलाका दिया जाए। यहाँ पर मज़ीद ये कि जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल बेबस नज़र आती है इस भिखारी माफिया के ख़िलाफ़। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो भिखारी माफिया है उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है पंजाब पुलिस की जानिब से, लेकिन बाद में उस ऑपरेशन को जो है वो वाइंड अप कर दिया जाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो आप कह लें कि उस ऑपरेशन को शुरू करने का मकसद जो है वो अपना कमीशन बढ़ाया जाए, और भिखारी माफिया जो है इसके मुताबिक यही कहा जाए के लाहौर की सड़कों पर और पूरे लाहौर पर राज करता है, लोगों की जेब से 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे करने वाले जो कि वो करोड़ों और अरबों की मालियत के प्रॉपर्टीज़ के जो हैं वो मालिक हैं लाहौर के अंदर, खसूसन पोश इलाकों में जहां पर एक आम आदमी का तसव्वुर है तो वो यहां पर प्रॉपर्टी खरीदेगा, लेकिन अगर तहकीकात की जाए तो वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों में भिखारी माफिया जो है वो सरे फरेस्त है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये भिखारी जो हैं वो लाहौर की सड़कों पर राज कर रहे हैं। यहाँ पर बताता चलूँ कि इनका जो मांगने का तरीका है वो मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी, और हर कोई जो है वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, यहाँ पर क्रिएटिविटी कहना चाहिए कि ये तख्लीकाती चीज़ें जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर जो इनका ठेकेदार है उसकी जानिब से इनको सहूलियात भी दी जाती हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उतारने के लिए जो इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाती है उसके इनके इनसे अजाफी चार्जेस लिए जाते हैं, और उसके बाद तस्बीह टोपी रुमाल और बैसाखी जो है मजदूर जो आप कह लें भिखारी हैं उनको जो अगर ये मुहैया की जाए तो इनका जो रेट है वो मुख्तलिफ होता है। और यहाँ पर के अक्सर औकात अपने सरगना को किसी रेहड़ी और व्हील चेयर पर बिठा कर जो है वो मांगा जाता है ताकि आमदन जो है वो ज़्यादा हो सके, लेकिन यही एक सवालिया निशान है हमारे अदारों पर, हमारे लोगों पर, हमारे माशरे पर कि हम लोग जो है वो मेहनत को बढ़ावा देने की बजाय इन भिखारियों को जो है वो हौसला इन बेकारियों की जो है वो हौसला अफजाई करते हैं, हालांकि हमें इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि ज़रूरतमंद और आप कह लें कि जो इस चीज़ का हकदार है उसको उसका हक मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।